Good morning, my dear students. I am Manoj Jadhav, the math teacher of Reward in class 12th. Today is 9 April 2020. We are going to start exercise 3.2 part 2. Topic: question based on the addition, subtraction and multiplication. So student, aaj hum exercise 3.2 part 2 करेंगे और इसके अंदर हमारा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। इन फर्स्ट पार्ट एडिशन, सो ए प्लस ए, सेकेंड बी प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 2b माइनस बी प्लस बी, सो दिस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी, सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड ए प्लस ए इक्वल टू 2a। एंड सेकेंड पार्ट एडिशन, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एडिशन करेंगे तो यहाँ पे जो दे रखा है फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस 2ab, ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए माइनस सी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट एडिशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो माइनस 1 प्लस 12, 4 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 3 प्लस 2, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 12 इक्वल हो जाएगा 11, 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, 8 प्लस 8 इक्वल टू 16, 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, 16 प्लस 5 इक्वल टू 21, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 10 आ जाएगा ये 2 प्लस 8 है एंड 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। इन फोर्थ पार्ट, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस करेंगे हम, सेकेंड आएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सभी वैल्यूज क्या आ जाएंगी 1111। हमारा जो मल्टीप्लाई है ए का मल्टीप्लाई हम ए से करेंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो जाएगा ए मल्टीप्लाई माइनस बी एंड आ जाएगा प्लस बी मल्टीप्लाई ए। तो हम ले लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आ जाएगा माइनस बी मल्टीप्लाई ए, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी ए मल्टीप्लाई ए यह जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकेंड रहेगा माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यह जाएगा आपका फाइनल आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट वन टू थ्री एंड मल्टीप्लाई करना हमें टू थ्री फोर से। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो वन मल्टीप्लाई टू वन का मल्टीप्लाई टू से होगा वन का मल्टीप्लाई थ्री से वन का मल्टीप्लाई फोर से। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स टू फोर जा एट। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम टू थ्री जा सिक्स थ्री मल्टीप्लाई थ्री एंड थ्री मल्टीप्लाई फोर किया जाएगा हमारा टू थ्री फोर फोर सिक्स एट सिक्स नाइन ट्वेल्व। थर्ड पार्ट फर्स्ट मैट्रिक्स वन माइनस टू टू थ्री मल्टीप्लाई में करना है वन थ्री वन टू थ्री वन। So, यहां पे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के अगर इक्वल है तभी मैट्रिक्स पॉसिबल होगी। यहां मल्टीप्लाई का हो जाएगा हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे वन मल्टीप्लाई वन प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस टू वन मल्टीप्लाई टू प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री वन मल्टीप्लाई थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई वन। हम ले लेंगे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम टू मल्टीप्लाई वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई टू टू मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई थ्री टू मल्टीप्लाई थ्री थ्री मल्टीप्लाई वन यह आ जाएगा हमारा वन माइनस फोर टू माइनस सिक्स थ्री माइनस टू टू प्लस सिक्स फोर प्लस नाइन सिक्स प्लस थ्री। फाइनल मैट्रिक्स माइनस थ्री माइनस फोर वन एट थर्टी नाइन। फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट बोथ आर सेम एज थर्ड पार्ट बोथ आर सेम एज थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर इन क्वेश्चन नंबर फोर ए इक्वल टू ए गिवन दैट वन टू माइनस थ्री फाइव जीरो टू वन माइनस वन वन बी इक्वल टू थ्री माइनस वन टू फोर टू फाइव टू जीरो थ्री एंड सी इक्वल टू फोर वन टू जीरो थ्री टू वन माइनस टू थ्री। फर्स्ट ऑफ ऑल में फाइंड करना है ए प्लस बी एंड बी माइनस सी देन वेरीफाई हमें करना है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी फाइंड करेंगे हम
ए प्लस बी को हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, फोर वन माइनस वन नाइन टू सेवन थ्री माइनस वन फोर एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस सी मीन्स थ्री माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन इक्वल टू माइनस टू टू माइनस टू ये आ जाएगा हमारा जीरो फोर माइनस जीरो इक्वल टू फोर टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन फाइव माइनस टू इक्वल टू थ्री टू माइनस वन इक्वल टू वन जीरो माइनस माइनस टू इक्वल टू टू थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे एलएचएस पार्ट देखेंगे। एलएचएस पार्ट में हमें क्या निकालना है ए प्लस बी माइनस सी। सो ए में हम क्या करेंगे बी माइनस सी प्लस कर देंगे तो ये ए की वैल्यू हमारी दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस सी दोनों को प्लस कर देंगे तो जाएगा आपका वन माइनस वन दिस इज इक्वल टू जीरो टू माइनस टू दिस इज इक्वल टू जीरो थ्री माइनस थ्री ए प्लस जीरो इक्वल टू माइनस थ्री फाइव प्लस फोर दिस इज इक्वल टू नाइन जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव वन प्लस वन दिस इज इक्वल टू टू माइनस वन प्लस वन इक्वल टू माइनस वन प्लस टू इक्वल टू वन वन प्लस जीरो इक्वल टू वन दिस इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। आरएचएस पार्ट ए प्लस बी के अंदर हम क्या करेंगे सी को माइनस कर देंगे सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस दिस वैल्यू ऑफ सी। सो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जीरो जीरो माइनस थ्री नाइन माइनस वन फाइव टू वन वन। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सो इट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव ए इज गिवन दैट वैल्यू ऑफ ए इज गिवन वैल्यू ऑफ बी इज गिवन देन कंप्यूट वैल्यू ऑफ थ्री ए माइनस 5b 3a means हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ए के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 का मल्टीप्लाई हम बी के ईच एलिमेंट से करेंगे। सो अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2 यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2 3 5 वन टू फोर सेवन सिक्स टू माइनस करेंगे तो आएगा हमारा आंसर जीरो 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 जीरो। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स। इन क्वेश्चन नंबर सिक्स सिंप्लीफाई कॉस ब्रैकेट में हमारा दे रखा है ये मैट्रिक्स के अंदर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई मैट्रिक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो कॉस का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस साइन का मल्टीप्लाई हम ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा।
ये जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू वन, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 1001। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7025 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। सेकेंड पार्ट, 2x plus 3y equal to 2040 and 3x plus 2y equal to 2 minus 2 minus 15. In first part के अंदर ये जो हमारा first है x plus y is equal to 7025 and second हमारा x minus y is equal to है 3003। इनको हम प्लस करेंगे, इनको जैसे ही प्लस करेंगे क्या होगा, ये वाई वाला पार्ट हो जाएगा हमारा कैंसिल, क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। सो x इक्वल टू क्या होगा, हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5014। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, so from first x plus y equal to हमारा है 7025, so यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करके हम y फाइंड कर लेंगे, हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2011, hence value of x equal to 5014 and value of y equal to 2011, this is value of x and y। second part, in second part two x plus three y equal to यहाँ given है 2340 and value of three x plus two y equal to ये given है आपका 2 minus 2 15। from first and second on adding अगर हम दोनों को plus करते हैं, so x plus y एडिंग करने के बाद हमारा आ जाएगा 5x plus 5y, 5x plus 5y equal to this part, तुम क्या करेंगे 5 को डिवाइड में लाएंगे यहाँ पे, तो हमारा यह आ जाएगा 1/5, 4135। अगेन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 3 माइनस 5 प्लस 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ को हम पहले प्लस करेंगे, जैसे ही थर्ड और फोर्थ को प्लस करेंगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/5, 4135 प्लस 0 माइनस 5 माइनस 5 5। यहां से हमारा आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2y5 माइनस 12y5 माइनस 11y5 एंड 3। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ y आ जाएगी 8। Find x if y is given and 2x plus y equal to 10 minus 32। So y given है, हम y की वैल्यू को पुट करेंगे इस गिवन इक्वेशन में, इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1, यहां हम वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू पुट करके माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा
x is equal to minus 1, minus 1, minus 2, minus 1. Question number 9. Find the value of x and y. 2 multiply 130x plus y012 equal to 5618. फर्स्ट हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर इस एलिमेंट में और फिर प्लस कर देंगे. 2 का मल्टीप्लाई करके हम प्लस करेंगे तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस y. दिस इज इक्वल टू 2 प्लस y. 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 6 और यहाँ पे क्या है 0 इक्वल टू हो जाएगा 6. 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0 0 0 प्लस 1 इक्वल टू 1. 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x प्लस 2. कंपेयर कर देंगे तो हमारा आएगा 2 प्लस y ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 के एंड ये जो हमारा है 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 के. सो यहां पे हमारा जो दे रखा है 2 प्लस y दिस इज इक्वल टू 5. तो यहां से हमारा y आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड को लिखेंगे हमारा जो पार्ट है 2x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 8. तो 2x इज इक्वल टू 6 ये कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 3. सो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y एंड z. Also find value of t. If 2 matrix x z y t plus 3 multiply matrix 1 minus 1 0 2 equal to 3 multiply 3 5 4 6. So, क्या करेंगे पहले 2 का multiply करेंगे यहाँ पे 2x और यहाँ 3 का multiply 1 में करेंगे जाएगा 2x plus 3. 2 का मल्टीप्लाई z में करेंगे तो 2z और 3 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2z माइनस 3. 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आएगा 2y प्लस 0. 2 का मल्टीप्लाई t में करेंगे हम और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 2t प्लस 6 और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9. 3 5 is 15, 3 4 is 12, 3 6 is 18. कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग करेंगे तो ये पार्ट जो हमारा है ये जो फर्स्ट है 2x plus 3 वो इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 9 के. दिस इज इक्वल टू 9 एंड 2z minus 3 दिस इज इक्वल टू 15. 2y इक्वल टू 12 के एंड 2t प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा आपके 18 के. इसको हम सॉल्व करेंगे x, y, z एंड t को हम फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6, z इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. इफ x मल्टीप्लाई 2 3 y मल्टीप्लाई माइनस 1 1 इक्वल टू 10 5. सो क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा और y का यहाँ करेंगे तो आएगा माइनस y. तो ये बन जाएगा 2x माइनस y. x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा 3x, y क्या करेंगे तो आएगा y 3x प्लस y. अब कंपेयर कर देंगे. कंपेयरिंग करेंगे तो आएगा ये जो हमारा पार्ट है 2x माइनस वाई वो इक्वल हो जाएगा
10 के, और ये जो पार्ट है 3x plus 5 this is equal to 5. So then by elimination method find the value of x and y. So by elimination हमने find किया value of x is equal to 3 and y is equal to minus 4. Hence x equal to 3 and y equal to minus 4. Question number 12. Given that P matrix x, y, z, w equal to matrix x 6 minus 1 2 w plus matrix 4 x plus y z plus w 3. So find value of x, y, z and w. Same as 3 ka multiply yahan karenge jayega 3x, 3 ka y bhi karenge 3y, 3 ka z bhi karenge 3z एंड 3w. और ये जो पार्ट है इस मैट्रिक्स और इसको हम प्लस करेंगे तो आएगा x plus 4 and 6x plus y plus z. यहाँ माइनस वन है और यहाँ पे है z plus w, तो माइनस वन z plus w और यहाँ पे है 2w plus 3. कंपेयर करेंगे, सो कंपेयरिंग करने का हमारा आएगा 3x equal to x plus 4, x equal to हमारा आ गया 2. सेकेंड 3y equal to 6, x plus y, तो y equal to आ जाएगा हमारा 4. Also 3w equal to 2w plus 3, तो w equal to आ जाएगा हमारा 3. And again 3z equal to minus 1z plus w, यहां से z equal to हमारा आ जाएगा 1. Hence the value of x, y, z are x equal to 2, y equal to 4, z equal to 1 and w equal to 3. In question 13, if fx is equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, then so that fx into fy equal to fx plus y. fx given है, fy में क्या करेंगे, जहां पर x है वहां y put कर देंगे, आ जाएगा हमारा fy. LHS part, fx into fy, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम यहां पे जो हमारा पार्ट है ये पार्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos x का मल्टीप्लाई cos y से करेंगे, अगर cos x cos y प्लस माइनस sin x का मल्टीप्लाई हम करेंगे sin y से, तो आ जाएगा माइनस sin x sin y, यानी ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया पूरा. अब क्या करेंगे हम, इस फर्स्ट रो का अब सेकंड कॉलम से करेंगे हम, तो cos x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस sin y से, तो आ जाएगा माइनस sin y cos x, माइनस sin x का मल्टीप्लाई करेंगे हम cos y से, तो आएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और जीरो का मल्टीप्लाई हम करेंगे जीरो में, तो आएगा जीरो. लास्ट फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम करेंगे थर्ड कॉलम से इस वाले पार्ट में, तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई जीरो जीरो, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई वन इक्वल टू जीरो, इसलिए लास्ट पार्ट हमारा आ जाएगा जीरो, कंप्लीट जीरो पार्ट. हम ले लेंगे सेकंड, सेकंड कॉलम, ये हमारा है सेकंड रो, ये सेकंड रो और ये हमारा फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस वाई में, क्या आ जाएगा हमारा साइन एक्स कॉस वाई. अब कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन वाई में, तो आ जाएगा हमारा प्लस कॉस एक्स साइन वाई. जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ गया साइन एक्स cos y plus cos x sin y. अब second row second column, इसका sin x into minus sin y, ये पार्ट हो गया, plus cos x cos y plus 0 multiply 0, 0 हो जाएगा. अब यहीं पे अगेन हम करेंगे सेकेंड रो
थर्ड कॉलम, यहां क्या आएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई जीरो प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई वन, ये टोटली क्या आ जाएगा जीरो। अब आएंगे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, जीरो मल्टीप्लाई कॉस वाई प्लस जीरो मल्टीप्लाई साइन वाई प्लस जीरो मल्टीप्लाई वन, तो टोटली आंसर इसका आ जाएगा जीरो। थर्ड रो अगेन, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, जीरो मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई प्लस जीरो मल्टीप्लाई कॉस वाई प्लस वन मल्टीप्लाई जीरो, टोटली क्या जाएगा ये जीरो। अब आएगा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, जीरो मल्टीप्लाई जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई जीरो प्लस वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन। अब यहां पे है इस वाले पार्ट में कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, और ये जो पार्ट हमारे पास है माइनस साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा जीरो। सिमिलरली साइन एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये जीरो 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 और ये आ जाएगा हमारा वन। और यही जो पार्ट हमारा है यही किसके इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई के, सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट होमवर्क, इफ ए इक्वल टू थ्री वन माइनस वन टू सो दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स माइनस फाइव माइनस वन मल्टीप्लाई वन जीरो टू जीरो टू वन टू जीरो थ्री मल्टीप्लाई एक्स फोर वन इक्वल टू जीरो। सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। फॉर एनी एडिशनल रिसोर्स मटेरियल एंड टू डू प्रैक्टिस वर्क एट होम to visit on the website www.mycbseguide.com। अगर आपको कोई और डाउट्स है तो आप इस वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया हुआ है, इसे आपको अपने प्रैक्टिस नोट में करनी है। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस and next topic. Till then, stay indoor, stay safe, stay healthy. Thank you.